महादेवेश्वर महादेव, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये मिला मुझे खीर का प्रसाद कौस्तुक जी द्वारा, कौस्तुक भाई साहब ने, प्रभु जी ने खीर का प्रसाद हमें दिया। मित्रों, प्रसाद पाके मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। कौस्तुक जी द्वारा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुझे दी गई, आप वीडियो के अंत में सारी जानकारी लीजिएगा। कितने रूप थे प्रभु के, और हनुमान जी भी किस नाम से यहाँ सखी बनकर आए थे, वो आपको अंत में मैं यहाँ की वीडियो में दिखाऊंगा। तो उस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तब तक मैं ये महाप्रसाद जो कि मुझे मिली है कौस्तुक जी द्वारा, मैं पहले ये बहुत टेस्टी है, इतने में महाप्रसाद ही खा लूँ, फिर आपको पूरे आज यहाँ के ब्रज के दर्शन कराऊंगा। 100 करोड़ गोपियों के संग भगवान ने महाराज किया, और भगवान ने अपने 100 करोड़ रूप बनाए। जय हो, 100 करोड़ गोपियाँ और भगवान 100 करोड़। तो महाराज जी, 100 करोड़ गोपियाँ कहाँ से प्रकट हुई? जय हो ब्रज धाम की, मेरे श्यामा श्याम की, शरद पूर्णिमा का पूर्णमासी का चांद अभी बादलों में छुपा हुआ है। मदन मोहन मंदिर के साथ पूर्णमासी का चांद दिख रहा है। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक। देखो आज पूर्णमासी पे शरद पूर्णिमा पे कहाँ कहाँ के दर्शन हो पाते हैं, और ब्रज के दर्शन कराने की मैं कोशिश करूँगा। तो भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार मुझे देख रहा है, अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा लेना। तो मदन मोहन के आप दर्शन कर रहे हैं, लाइट जल रही है, और बादल की ओट में छिपा हुआ है चांद। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही प्यारा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज वृंदावन में अच्छा खासा रश है। अभी नंद उत्सव भी हुआ है, कृष्ण जन्म उत्सव हुआ है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण शास्त्री जी की भागवत के अंदर उनके सुपुत्र इंद्रेश जी भी आए थे, और बहुत सुंदर भाव राज और परिक्रमा हो रही है। और चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं कहाँ कहाँ के शरद पूर्णिमा में दर्शन में कर पाता हूँ और आप सबको करवा पाता हूँ। Yeah.
या सभी से मेरा निवेदन, हाँ जो आगे खड़े हुए हैं सभी बैठ जाएं पहले। अंदर बहुत क्राउड हो गया है, बहुत ही ज्यादा, लेकिन मन प्रसन्न हो गया। चलिए अब बाहर चलते हैं किसी दूसरे मंदिर में। आज शरद पूर्णिमा में बहुत ही क्राउड है। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद पीछे पीछे हम निकले हैं स्नेह बिहारी जी की तरफ। इतना क्राउड है अंदर, बहुत ज़्यादा, लेकिन सब दीवाने हैं शरद पूर्णिमा पे। आज दीवानों का रीला मेला लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से डिवाइडर लग गए, अब मुझे राधा वल्लभ जी की तरफ जाना है। आप देखो वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन अंदर रश बहुत है। ये आ गए बिहारी जी की गलियाँ गेट नंबर 3 की तरफ। सारा आज सील कर रखा है, बहुत ज़्यादा, जो भी हो आनंद आ रहा है। जय हो। चलो आगे बढ़ते हैं राधा वल्लभ जी की तरफ। जय हो। हर मंदिर में ठाकुर जी सजे हुए हैं, श्वेत पोशाक पहने, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मनभावन। जय हो मेरे बाकी बिहारी। लो जी अब आए थोड़ा खुले में बाकी बिहारी जी का पार करने के बाद। सच में पीछे तो बहुत ज़्यादा राधा, बाकी बिहारी जी के पीछे से रास्ता सने बिहारी जी पे निकला। सने बिहारी जी से होता हुआ मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। व्यवस्था बहुत अच्छी, चाक चौबंद कर रही है पुलिस ने, बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था, क्योंकि पब्लिक होती है, संभालना भारी पड़ जाता है। बहुत अच्छा प्रशासन का यहाँ पे पूरी व्यवस्था बना रखी है प्रशासन ने, कोई कमी नहीं, सबका ध्यान रख रहे आराम से। राधा वल्लभ जी की तरफ आ गए, यहाँ भी भीड़ है, अब यहाँ से भीड़ शुरू हो गई है। तो राधा वल्लभ जी में एंट्री करी है, बहुत सुंदर। जय 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 श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा वल्लभ, जय 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 जय। चलिए चलिए आगे बढ़िए, निकलते चलिए। जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री राधा। राधा वल्लभ जी आ रहे हैं। सच में जब से ब्रजवास कर रहा हूँ पहली बार मुझे इस दीवानों का या भीड़ का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मुझे बिहारी जी में भी खुले दर्शन हुए और सने बिहारी जी में, बिहारी जी में सबसे प्यारे दर्शन हुए, उम्मीद से बढ़कर खुले एकांत में, बहुत अच्छे। जी भर के देखो, बहुत ही मेरा यार दिलदार, बहुत सुंदर लग रहा था। तो चलिए अब राधा वल्लभ जी की तरफ आ रहे आ गए। अरे भैया राधा वल्लभ जी में से बहुत तगड़ी भीड़ है, चलो आए तो दर्शन तो करेंगे। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, देखिए चांद, वो है चांद बादलों में छुपा। चलिए राधा वल्लभ जी में चलते हैं, बहुत ही शानदार व्यू। चलिए 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 राधा वल्लभ जी में एंट्री करते हैं। जय जय श्री राधा वल्लभ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे दर्शन। Thank you.
गोपेश्वर महादेव की जय हो, हर हर महादेव, जय हो गोपेश्वर महादेव। बहुत ही सुंदर रूप है। चलिए अंदर आरती हो रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहर। जय हो गोपेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जय हो गोपेश्वर महादेव की, जय हो हर हर महादेव। बहुत ही मनोहर, बहुत ही प्यारे। गोपेश्वर महादेव के दर्शन करके मन प्रसन्नचित हो गया। हर हर महादेव, जय हो गोपेश्वर महादेव। कितना प्यारा रूप, क्या प्यारे गोपी बने बैठे हैं बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो गोपेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। जय हो। शरद पूर्णिमा मन गदगद हो गया। बंसी वट मंदिर महाराष्ट्र स्थली बहुत ही सुंदर सज रहा है। बंसी वट, जी हाँ मित्रों, आज मैं आपको ले आया हूँ महाराज स्थली बंसी वट पर। जी हाँ, महाराज जी राधे राधे, राधे राधे, राधे श्याम। तो आज मैं आपको उसी बंसी वट पर ले आया हूँ। इससे पहले आपने महादेव के गोपेश्वर रूप में दर्शन किए, इसी बंसी वट के बाहर वो बैठे हैं धुनी रमाए अपने प्रभु में, गोपी बनकर। देखो कितने सुंदर गोपी के रूप में लग रहे थे। और आज मैं उसी बंसी वट जो 5,500 वर्ष पहले जहाँ महाराष्ट्र होता है, जिसमें महादेव खुद गोपी बनकर प्रवेश जिन्होंने किया था, जिनको गोपी के रूप में प्रवेश मिला था, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम तो श्री कृष्ण है और ये गोपियों का था, तो उसी भाव से मैं भी आया हूँ गोपी बनकर प्रभु का इस बंसी वट पर। और आप भी यहाँ पर ब्रज में जब भी आए गोपी भाव में आया करो, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम तो श्री कृष्ण है। और देखिए यहाँ पर अभी सजरे लगता है, यहाँ पर अभी भाव होगा रात को, रात्रि में अभी यहाँ भी लगता है, रात को लीला होगी। तो आइए पहले आपको बंसी वट के भीतर लेके चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ। तो मित्रों यही वो पवित्र पावन बंसी वट है। प्रभु जी राधे राधे। बहुत अच्छी आपने उस दिन जानकारी दी थी, 16-17 का असमंजस पड़ रहा था। ये बात लाइट आ रही, इधर आ जाओ। 16-17 का असमंजस पड़ रहा था काफी, तो काफी सही। लेकिन राधा रमण जी में कल है, गोपेश्वर में गोवर्धन में भी आ जाए, गोवर्धन में भी आ जाए। मैंने कहा प्रभु जी आप मिलोगे, प्रभु को लीला बताओ आज की यहाँ पे क्या क्या होगा। आज अभी अच्छा बाहर जो लग रहा है, रास के लिए तैयारी है। ठाकुर जी को आज बुला, ठाकुर जी बाहर हैं आज। अच्छा, सरदूत सब पे ठाकुर जी को बाहर लाया जाए। हाँ, और फूल को बंगला बनाया जाए। अच्छा, सफेद वस्त्र पहने जी, ठाकुर जी सब बाहर आएंगे। आनंद है, ये रास कब होगा, शुरू होगा कब? थोड़ी देर में शुरू आ रहे हैं। और कब तक, और कब तक चलेगा? करीब 12 बजे तक, 12 बजे तक चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये तो ये मित्रों यही प्रभु जी से पूछवाते हैं, प्रभु जी यही वो रास स्थली है ना, और वही गोपेश्वर महादेव बैठे गोपी बन के। अच्छा, यमुना के भगवान वंशी बट समीपा शुभोपी चासुर मुनि नित्यम वास चकार, वंशी बट की निकुंज में भगवान शिव शुभोपी शिव गोपी रूप में नित्यम वास चकार नित्य निवास करें। ये वंशी बट है, यही भगवान ने आज ही के दिन वंशी बजाई, सभी गोपी को बुलाया और महाराज की लीला करी। जय महाराज देखने के लिए भगवान शिव गोपी रूप लेके आए, तभी उनको नाम गोपेश्वर। और तब से आज तक भगवान शिव वृंदावन में गोपी रूप में निवास। जय हो, जय हो। महाराज जी एक बात और बताओ, जो कि मैंने आप जैसे महानुभाव से और कई संतों सुना है कि
रात का जो समय था ब्रह्मा जी के एक एक कल्प तक का महाराज हुआ था। भगवान पितारात्रि सर्वोत्तम भूलमलकाम भीक्षण चक्रे मायाम उपासना। भगवान ने पिता ब्रह्मा के बराबर की रात्रि एक हजार चतुर्युग एक कल्प बीत गया। यहाँ रात्रि की रात्रि रही, चंद्रमा स्थिर रहा और भगवान ने उस रात्रि को इतनी बड़े में महा, इसीलिए कितनी बड़ी रात्रि एक कल्प एक दिन की एक दिन उतनी रात्रि। जय हो जय गोपिका सतकोट भी रास लीला भविष्य बंसी रण समागिनो बंसी वट गोपी। 100 करोड़ गोपियों के संग भगवान ने महाराज कियो और भगवान ने अपने 100 करोड़ को बनाया। जय हो गोपिका 100 करोड़ गोपियां और भगवान 100 करोड़। तो महाराज जी 100 करोड़ गोपियां कहां से प्रकट हुई? वो सब गोपी भक्त वृंद देवता गंधर्व किन्नर वेद वेद की ऋचाएं सब गोपी बन गया है। जो जन्म जन्मांतर तक भगवान को भज रहे भगवान प्राप्ति के लिए वो सब गोपी बन गया। जय हो जय हो। सुना जो भगवान शिव जामे गोपी रूप रह के गोपी रास दर्शन करके आए, अब कौन रह जाएगा? सब आए भगाचार्य जी हनुमान जी नारद जी सबको वर्णन में हनुमान जी गोपी रूप में आए। कैसे रूप में? वो हनुमान जी को नाम हो चारुशिला सखी के नाम पे हनुमान जी है। हनुमान जी गोपी चारुशिला। वही बात। जय हो जय हो जय हो। मन प्रसन्न चित हो गया। भगवान की राष्ट्रस्थली पे शरद पूर्णिमा आज के दिन महाराज हो। आज भगवान की राष्ट्रस्थली पे आपको हमारे प्रभु जी दर्शन करा रहे हैं। जय हो जय हो। प्रभु जी एक बार अपना नाम बताइएगा। कौस्तुभ शरण जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे तो बहुत प्रेम हुआ पड़ा मेरा। जय जय राधे जी राधे राधे। तो मित्रों कौस्तुभ शरण जी द्वारा इतनी महत्वपूर्ण जानकारी 100 करोड़ गोपियों के साथ इसी वंशी वट पे, यही है जी वंशी वट, इसी वंशी वट के पे सारा देखो कितना प्राचीन 5,500 वर्ष पुराना प्राचीन है। और देखो यहाँ सभी भक्त जन बैठे हैं। 100 करोड़ मित्रों, 100 करोड़ गोपियों के साथ और भगवान कृष्ण ने 100 करोड़ रूप लिए। अमेजिंग, कल्पना से भी परे। क्या बात पता चली आज, ये तो मेरे को भी नहीं पता था, मैंने ना किसी संत के मुंह से सुनी थी। 100 करोड़ गोपियां थी जिसमें गंधर्व थे, अनंत जन्मों के सारे ऋचाएं थे, वेद थे, सब आए थे। भाई वाह, गदगद हो गया जी। आ रहा बहुत दिव्य जानकारी। और देखिए आइए, यह यही वो प्रांगण है, पवित्र प्रांगण। प्रांगण तो आगे है, आगे तक था, भी छोटा सा रह गया अब, लेकिन ये वही पवित्र जगह है, ये वही बंसी वट है, ये इसी वट में के नीचे की छाया में। और देखो आज हमारे यहाँ पे प्रभु का रूप सजा है, बहुत ही मनभावन प्रभु का रूप। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनभावन। मित्रों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली कौस्तुभ शरण जी द्वारा। और जैसे कि राधा रमण का वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि राधा रमण में आज नहीं है, इसलिए वहां से मैंने वीडियो नहीं बनाया। जो भी आपको 4-5 दर्शन मैंने किए आपको करवाया, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और ये जानकारी तो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी कि 100 करोड़ गोपियां थी और प्रभु के 100 करोड़ रूप थे, हर गोपी के अपने गोविंद अपने कृष्ण थे। मन गदगद हो गया। तो मित्रों वृंदावन की पावन धरा से महाराज स्थली से आप सभी को शरद पूर्णिमा की दास दीपक की तरफ से सभी मित्रों सखियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामना। सदा खुश रहो, आनंदित रहो और गोविंद की मस्ती में झूमते रहो। जहाँ रहो गोविंद के आनंद में रहो, जहाँ रहो ब्रज के आनंद में रहो। ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। ये प्रभु की मंजरियाँ हैं और देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर सजा हुआ है, कितना सुंदर सजा हुआ है, बहुत सुंदर सजा हुआ है शरद पूर्णिमा पे। बहुत ही प्यारा, यही है रास स्थली, यही है वो महारास स्थली, कितना सुंदर। और यहीं इनके चार कोनों में एक तरफ गोपेश्वर महादेव बैठे गोपी रूप में। जय हो। और एक तरफ हनुमान जी बैठे हैं एक द्वार पे, और आगे द्वार के दर्शन चलते हैं। ये आगे वेद व्यास जी भी बैठे हैं, सुखदेव जी दंडवत करने, सुखदेव जी है, ये वेद व्यास जी हैं। और एक तरफ उस कोने पर आसुरी मुनि गर्गाचार्य जी विराजमान हैं।
तो जैसा कि आपने देखा चारों कोने पर एक तरफ हनुमान जी, एक तरफ गोपेश्वर भगवान बैठे हैं, महादेव बैठे हैं, एक तरफ वेद व्यास जी बैठे हैं और एक तरफ आसुरी मुनि गर्गाचार्य जी विराजमान हैं। तो मित्रों अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना ताकि हर कोई इस पावन स्थल के दर्शन कर सके। फिर बता दूं यहाँ के कोई दर्शन करना चाहता है जब भी वृंदावन आओ गोपेश्वर महादेव से वॉकिंग डिस्टेंस है, आप 100 तक गिनती भी नहीं गिनोगे, 1, 2, 3, 4 करके गोपेश्वर महादेव से ये बंसीवट आप मच पैदल चल के आ जाओगे। तो दोस्तों चलते चलते खीर का प्रसाद मिला, बहुत स्वादिष्ट है, कौस्तुभ जी द्वारा दिया गया और कौस्तुभ जी ने कहा सबको लेके आया करो, जब भी यहाँ कौस्तुभ जी से मिला करो, वहाँ की लीला के बारे में बताया करेंगे। महाराष्ट्र स्थली पर बहुत प्यारे सज्जन इंसान है, सालों से हमारे मित्र था, बहुत प्यारे हैं, दिल से दिलदार हैं, जब भी मिलते हैं बहुत व्यवहारिक, बहुत मीठी बातें करते हैं। तो चलिए वीडियो के विराम में, आज ठाकुर जी का आशीर्वाद ही मिल गया, मैं अपने प्रसाद पाता हूँ, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे। टेस्टी।